नरसिंहपुर में एक युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी। बता दें कि राधा कृष्ण नगर के रहने वाले राकेश ठाकुर का अपने बेटे सुधांशु से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि सुधांशु ने घर के पास पड़े चीप से राकेश पर हमला कर दिया। इस हमले में राकेश की जान चली गई। इस घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। विगत रात्रि थाना कोतवाली में हत्या का मामला दर्ज है। इसमें कलयुगी बेटे सुधांशु ने पिता राकेश की हत्या कर दी है। इसमें आपराधिक मामला दर्ज करके पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो मृतक है वो किसी शासकीय विभाग में सेवा देता था और ये जो लड़का है वो कोई काम आम नहीं करता था। तो पिता कहता कुछ काम आम किया करो, इसी कारण से अपने पिता की हत्या कर दी।